गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट पीएलवी, चैप्टर नंबर 14 बैलेंस इन नेचर। प्रीवियस वीडियो में हमने ये लेसन पूरा एक्सप्लेन किया था और किस तरह से हम नेचर को इम्बैलेंस करते हैं, किस तरह से हार्मफुल करते हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। फूड चेन का टॉपिक स्टडी किया था। तो अब हम ये लेसन की एक्सरसाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूज द करेक्ट आंसर। ओके, हमारा हेडिंग है चूज द करेक्ट आंसर। नंबर वन, ओके, अभी हम ये दो समझ लेंगे। वन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमने जो सबसे पहला टॉपिक था बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में सॉइल, एयर, सनलाइट, वाटर, वो सब आता है। ओके, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो अबायोटिक नहीं है, एबायोटिक नहीं है, तो कैसा है बायोटिक? तो वो है प्लांट। ओके, बाकी ऑक्सीजन, सनलाइट एंड सॉइल कैसे है, एबायोटिक है, और प्लांट है वो बायोटिक है। मतलब हमें ऐसा कहा नॉट अबायोटिक, नॉट अबायोटिक का मतलब है वो कैसा है बायोटिक। तो ये चार में से ये तीन जो है ऑक्सीजन, सनलाइट एंड सॉइल, ये तीनों एबायोटिक है, तो प्लांट है जो लिविंग थिंग है वो है बायोटिक। तो आंसर होगा डी, नंबर डी ऑप्शन आंसर है प्लांट। नंबर टू, व्हिच ऑफ दिस इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, वो सब हमने सीखा था ना, प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट है प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस एनिमल्स है प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड कार्निवोरस एनिमल्स है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ हर्बीवोरस कौन दिख रहा है, काउ। ओके, तो काउ इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। पहले नंबर का आंसर है प्लांट, दूसरे का है कि प्राइमरी कंज्यूमर है काउ। नाउ नंबर थ्री, थर्ड नंबर है हमारा, बड़े बड़े हो गए तो एक एक ही लिखते जाएंगे।
तो थर्ड नंबर का हमारा चूज द करेक्ट आंसर है प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट को ये सारी चीज़ें खुद को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। वीच ऑफ दीज आर दे डिपेंड ऑन एनिमल्स। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनिमल्स पर वो डिपेंडेबल है वो चीज़ के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, सीड डिस्पर्सल ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो सीड डिस्पर्सल के लिए। ओके, क्योंकि अगर एनिमल सीड को डिस्पर्सल करेंगे तो ही प्लांट सारी जगह पर ग्रो हो पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर आएगा सी, सीड डिस्पर्स। ओके, फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग फॉर देयर सर्वाइवल। विच ऑफ दीज आर दे डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। इसमें से कौन सी चीज़ के लिए वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नो, न्यूट्रिएंट्स नो, सीड डिस्पर्सल। ओके, हमने इसके पहले फर्स्ट टर्म के लेसन्स में ही समझ लिया है कि सीड डिस्पर्सल अलग अलग वे से होता है, विंड से, वाटर से, एनिमल्स से, एयर से, विंड से, तो सीड डिस्पर्सल ऑल्सो डन बाय एनिमल्स। ओके, तो प्लांट्स को सर्वाइवल अपना एग्जिस्टेंस रखने के लिए सीड डिस्पर्सल के लिए एनिमल्स की ज़रूरत होती है। नंबर फोर, फूड चेन जो टॉपिक हमने ये बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है, कि विच ऑफ दिस फूड चेन इज करेक्ट कहा है कि कौन सी फूड चेन यहाँ पर करेक्ट है। कि ग्रास है, ग्रास को गोट ने खाया और गोट को डियर ने खाया। ओके, तो गोट को डियर खाता है, डियर तो हर्बीवोरस है। अब ये देखो, टाइगर ने गोट को खाया, गोट ने ग्रास को खाया, तो ये हमें करेक्ट लग रही है, बराबर, कि टाइगर ने गोट को खाया और गोट ने ग्रास को खाया। फर्स्ट वाली में ग्रास, गोट, टाइगर, यहाँ डियर नहीं, यहाँ टाइगर है, तो ये करेक्ट हो गया टाइगर। अब ये करेक्ट हो गया कि ग्रास है, ग्रास को गोट खाता है और गोट को टाइगर खाता है, तो ये है करेक्ट आंसर है ग्रास, गोट एंड लास्ट में टाइगर। ओके, कि ग्रास प्रोड्यूसर्स है, ग्रीन प्लांट है, गोट है वो हार्बीवोरस एनिमल्स है, हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर टाइगर। ओके, तो आंसर है ओ ए ऑप्शन, ग्रास, गोट, टाइगर। नाउ फिफ्थ नंबर, बड़ा है इसलिए अकेला लिखेंगे। फिफ्थ नंबर है
Number 5, which of these human activities upset the balance in nature? इसमें से कौन सी ऐसी humans की activities हैं जो करने से एनवायरनमेंट का बैलेंस अपसेट हो जाता है, मतलब कि हम ऐसी एक्टिविटीज करके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट, यस, पेड़ को कट कर देंगे तो पेड़ से मिलने वाली सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन से लेकर खाना पीना, पीना भी बोल सकते हैं क्योंकि रेन है, वो भी अगर ट्रीज होंगे तो ही रेन आएगी, और खाने की चीज़ें, कपड़े, पेज, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पेड़ से अवेलेबल होती है, प्योर ऑक्सीजन, वो नहीं मिलेगा तो एनवायरनमेंट का बैलेंस तो अपसेट हो ही जाएगा। अब है सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज दैट रिलीज हार्मफुल गैसेस। फैक्ट्रीज में जो बहुत प्रोडक्शन होता है और उसके ऊपर चिमनी में से स्मोक रिलीज होता है हवा में, तो वो स्मोक में बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तभी तो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर रेसिडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे एरिया में रहने से कंटिन्यूसली वो स्मोक आपकी ब्रीथिंग में आएगा और आपको लंग डिजीज हो सकता है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। देन आफ्टर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जैसे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत फायदाकारक है, सेम लाइक दैट एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। हम एनिमल की बहुत प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो अगर हम एनिमल्स को हंट कर देंगे तो हमें चीज़ें तो नहीं मिलेगी, पर और क्या इम्बैलेंसिंग होगा कि जैसे कि टाइगर सारे हार्बिवोरस एनिमल्स को खाता है, तो अगर टाइगर नहीं रहेंगे तो नंबर ऑफ हार्बिवोरस एनिमल्स बिकम इंक्रीज, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, कि अगर स्नैक नहीं है तो माउस का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो ये भी दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इम्बैलेंसिंग इन नेचर। सो वी कैन से दैट ऑल थ्री रीजन्स आर करेक्ट, सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी एक्टिविटीज करके हम ह्यूमंस एनवायरमेंट को इम्बैलेंस करते हैं। ओके, नाउ नंबर 6, सिक्स नंबर है हमारा, नंबर 6 एंड लास्ट नंबर ऑफ MCQs, विच ऑफ दिस इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। यहाँ जो ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सा ऑप्शन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब वो कैसा है, हार्मफुल है। अफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना, तो ये तो अच्छी बात है। ओके, डीफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ट्रीज, डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, तो ये गुड नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को सेव करना, ये भी गुड थिंग है, तो ऑल ऑफ दिस नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डीफॉरेस्टेशन। ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, इसमें से कौन सी बात है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है।
तो आंसर है बी ऑप्शन डी, डीफॉरेस्टेशन. ओके, अब हम एक्सरसाइज टू लिखेंगे, पुट राइट और रॉन्ग. Put right for true and wrong for false. अब हम लिख कर लर्न करेंगे. लिविंग थिंग्स आर ओनली सॉल्व करेंगे. पुट राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स. नंबर वन, लिविंग थिंग्स आर ओनली डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, अदर लिविंग थिंग्स, नॉट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. ह्यूमंस हैं वो अपने जीने के लिए सिर्फ लिविंग थिंग पर ही डिपेंडेबल है, नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंडेबल नहीं है. तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हम बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी यूज़ करते हैं. आप भी अपने आसपास देखो कितनी नॉन लिविंग थिंग्स है, आपकी बुक, आपकी पेन, आपका मोबाइल, आपका बैग, एवरीथिंग आर नॉन लिविंग थिंग. तो हमें क्या कहा गया है यहाँ पर, लिविंग थिंग्स आर ओनली डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स है वो अपने, वो जिंदा रहने के लिए सिर्फ लिविंग थिंग पर ही डिपेंडेबल है, नॉट ऑन नॉन लिविंग थिंग. तो ये गलत बात है, हम नॉन लिविंग थिंग पर भी डिपेंडेबल है, उसको भी हम यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा रॉन्ग. नाउ नंबर टू, ऑल फूड चेन बिगिन विथ प्लांट्स.
तो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। तो मैंने तीन टॉपिक्स करवाए थे, मैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। तो सब कुछ, पूरी दुनिया प्रोड्यूसर पर टिकी हुई है। प्लांट्स का इम्पोर्टेंस हमको पता है, ओके। तो सारी जो फूड चेन है, फूड चेन में कौन कौन आ गए, हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेबल है, प्लांट्स के ऊपर, करेक्ट। क्योंकि प्लांट को हर्बीवोरस एनिमल खाएगा, वो हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस खाएगा, और इस तरह से फूड चेन कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ हमारा आंसर है राइट, ओके। ऑल फूड चेन बिगिन विद प्लांट, ठीक है। जैसे पहली फूड चेन का हमने वो ग्रास वाली, अभी हमने एमसीक्यू में किया ना, ग्रास, गोट और टाइगर। नंबर थ्री, ह्यूमंस हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर बाय देयर एक्टिविटीज। तो ये टॉपिक भी अभी ही हमने एमसीक्यू में लिखा कि हम ह्यूमंस, ह्यूमंस मतलब इंसान, तो जो इंसान है वो अपनी एक्टिविटी से एनवायरमेंट को इम्बेलेंसिंग करते हैं। वो एक्टिविटीज हमने ऑप्शन में लिखी थी कि पहले तो कटिंग डाउन ट्रीज, ओके, पेड़ को काट कर हम बहुत बड़ा खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। फिर है सेटिंग अप फैक्ट्रीज दैट रिलीजेस हार्मफुल स्मोक। जो इतनी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई होती है जिसमें से हार्मफुल स्मोक्स निकलते हैं। फिर था हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने से फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये आंसर करेक्ट है थर्ड नंबर, कि ह्यूमंस हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर बाय देयर एक्टिविटीज। आंसर इज राइट, ओके। अब फोर्थ नंबर है, अफॉरेस्टेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिस्टोरिंग द बैलेंस इन नेचर। अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो ट्रीज को ग्रो करने से जो हमारा एनवायरमेंट अपसेट हुआ है वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ भी आएगा राइट। तो फर्स्ट का आंसर रॉन्ग, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ इज ऑल्सो राइट, ओके। तो नेक्स्ट पीरियड में अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के और क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।